आज हमारे पवित्र मंदिर गौरीशंकर बाबा में कुछ गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर घुस गए थे, जिससे हमारा मंदिर बहुत अपवित्र हुआ है और हम गंगा जल से अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं और इनको अपने इस मंदिर पवित्र मंदिर को पवित्र कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव कन्नौज के गौरीशंकर महादेव मंदिर गए। अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद कन्नौज का मंदिर धोया गया। क्या अखिलेश यादव अछूत हैं? क्या अखिलेश यादव मंदिर नहीं जा सकते? अभी तक इसी लेवल की नफरत देश के मुसलमानों के लिए थी और अब ये नफरत का जहर कुछ ऐसा फैला है कि हिंदुओं को भी डसने लगा है। बंटवारे और घृणा की फसल पहले मुस्लिम समाज के नाम पर काटी गई। कन्नौज में मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तय करने वाले क्या किसी पार्टी के लोग होने चाहिए? दोस्तों, ये वही सोच है जो लोगों को बांटती है, ये वही सोच है जो समाज में जहर घोलती है। हमारे देश का संविधान हर किसी को मौलिक अधिकार देता है, नैतिक अधिकार देता है, और आज उसी संविधान पर लगातार चोटें ही जा रही हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव मंदिर पहुंचे हों। अखिलेश यादव मंदिर भी जाते हैं, नवरात्र में पूजा पाठ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, और इटावा में तो भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर भी बनवा रहे हैं। अब कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है, क्या इसका लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक देंगे? क्या अब बीजेपी बताएगी कि मंदिर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि मंदिर में पूजा कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। अखिलेश यादव ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, पूजा की, तो बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों हो गई भाई? क्योंकि हिंदू वोटों की ठेकेदार बीजेपी है क्यों? क्योंकि मंदिर में कौन जाएगा ये बीजेपी बताएगी? क्या ये किसी की आस्था पर चोट नहीं है? क्या ये किसी का अपमान नहीं है? लेकिन बीजेपी इस पर बोलेगी नहीं। क्या कन्नौज में अखिलेश यादव के उतरने से ही बीजेपी इतनी बेचैन हो गई है कि अब हताशा में ये सब कुछ करवा रही है? देखिए, मंदिर में जो लोग सफाई करने के लिए गए थे उनका कहना है कि अखिलेश यादव गैर सनातनी हैं। आज हमारे पवित्र मंदिर गौरीशंकर बाबा में कुछ गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर घुस गए थे, जिससे हमारा मंदिर बहुत अपवित्र हुआ है और हम गंगा जल से अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं और इनको अपने इस मंदिर पवित्र मंदिर को पवित्र कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नफरत की ये सोच, समाज को बांटने की ये सोच कहां से आती है? ये आती है ताकत से। जी हाँ, जब किसी को ये लगने लग जाता है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता, कोई उसका बाल नहीं बाकी कर सकता, तो ऐसे लोग ही इस तरह की नफरत फैलाते हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई की, गंगा जल से धोया, उनको ये पता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार तो उन्हीं की पार्टी की है, तो भाई उन पर कार्रवाई करेगा कौन? और इसी वजह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई चुनावी है तो उसे चुनावी मैदान में लड़िए, वहीं अच्छा लगता है। हार के खौफ से डरकर मंदिरों के नाम पर इस तरह की सियासत, इस तरह की नफरत आखिर क्यों? फिलहाल तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।